वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं एटलस राइडर पंकज। एंड गाइस, इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बेस्ट हाइब्रिड साइकिल्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये 15,000 रुपीस का बजट सेगमेंट रहने वाला है। इसमें देखो गाइस, दो तरीके के हाइब्रिड साइकिल आपको देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। एक होती है MTB की तरह और दूसरी होती है रोड बाइक की तरह। दो एक हाइब्रिड साइकिल में बेसिकली गाइस MTB एंड रोड बाइक दोनों चीजों के फीचर्स होते हैं, बट जो इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो MTB वाली होती है उसमें आपको एक सस्पेंशन फोर्क देखने को मिलेगा। जो हैंडल बार का स्टाइल होगा ना, वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे जो एक रोड बाइक टाइप ऑफ हाइब्रिड साइकिल होगी उसके अंदर आपको एक रिजिड फोर्क देखने को मिलेगा, एक सस्पेंशन फोर्क नहीं आता है। उसके साथ ही साथ जो इसकी फ्रेम ज्योमेट्री होगी वो भी एक रोड बाइक की तरह होगी। जो इसमें हैंडल बार लगा हुआ है वो फ्लैट हैंडल बार होता है। अब वीडियो आगे बढ़े उससे पहले मैं ये भी बता दूं आपको कि इनमें से कुछ ऐसी साइकिल्स होंगी जो कि स्टील बिल्ड फ्रेम मटेरियल के साथ आपको देखने को मिलेगी, एंड जो अलॉय बिल्ड फ्रेम मटेरियल के साथ होंगी साइकिल्स उनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो स्टील बिल्ड के कंपैरिजन में थोड़ी कम होगी। बट गाइस, जो प्रेफरेंस आपको देनी है वो अलॉय बिल्ड को देनी है, क्योंकि अलॉय फ्रेम जो होता है वो स्टील फ्रेम के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है। इन फ्यूचर जैसे जैसे आप राइड करोगे, चाहे उसमें कम स्पेसिफिकेशन हो, बट जो उसका फ्रेम और मटेरियल है ना, जिस वजह से वो साइकिल हल्की बनेगी, वो आपको काफी ज्यादा फायदा देगी इसकी ज्यादा स्पेसिफिकेशन के कंपैरिजन में। जो सबसे पहली साइकिल है जो कि मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ये है 91 की वॉन्डर 700C। ये साइकिल एक कार्बन हाई टेंसाइल स्टील बिल्ड फ्रेम मटेरियल के साथ आती है। ये स्टील फ्रेम ही रहता है। जिस मटेरियल से फोक बनी हुई है वो भी आपको स्टील बिल्ड देखने को मिलेगा। इसमें फ्रंट एंड रेयर व्हील के ऊपर आपको मैकेनिकल डिस्प्लेक्स देखने को मिल जाएंगे। एंड इसका जो व्हील का साइज है वो 700C/35C का आपको देखने को मिलेगा। इस साइकिल में गाइस आपको डबल वॉल्ड अलॉय रिम्स देखने को मिलेंगे। जो इसका फ्रेम साइज है वो 18.5 इंच आपको देखने को मिलेगा। एंड साइकिल का वेट है वो 14.5 किलो आपको देखने मिलेगा। हाइब्रिड साइकिल एक MTB के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हल्की होती है, तो आपको ये मेक श्योर करना कि जो भी साइकिल लो वो 15 किलो से कम हो, सिंस ये 15,000 रुपए की प्राइसिंग है। 15 किलो के आसपास की वेट की साइकिल देखने को मिलेगी। बट जैसे आप ज्यादा स्पेंड करोगे तो जो हाइब्रिड साइकिल होती है वो 12-13 किलो से ज्यादा की नहीं होती है, उससे कम की आपको देखने को मिलेगी। सिंस ये बजट सेगमेंट गाइस साइकिलिंग में इतना ज्यादा नहीं है, ये एक बिगनर कैटेगरी में माना जाता है, एंड इस वजह से जो साइकिल की स्पेसिफिकेशन है एंड जो ओवरऑल वेट होगा ना साइकिल का वो इतना ज्यादा कम नहीं होगा। बट हाँ, 15 किलो से आपको कम की साइकिल को खरीदना चाहिए, वो इस प्राइसिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस, अब बात कर लेते हैं इस साइकिल के प्राइस की। ये आपको 13,000 रुपए की देखने को मिल जाएगी। 91 वालों के अलग अलग ऑफर चलते रहते हैं, बाकी अमेजोन पे भी ये साइकिल अवेलेबल है। अमेजोन का बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से जाके इस साइकिल को आप जरूर चेकआउट करना। अलग अलग कार्ड डिस्काउंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर ये ऑनलाइन आपको पसंद ना आए, ऑनलाइन समझ में ना आए, तो ऑफलाइन चेकआउट कर लेना। जो नेक्स्ट साइकिल है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये है फायरफॉक्स की प्रीसा। फायरफॉक्स की एक और साइकिल आती है फायरफॉक्स की वोया। ये दोनों साइकिल्स आपको अमेजोन में देखने को मिल जाएंगी। एंड अगर आपको अमेजोन में ना मिले तो अपने घर के आसपास की फायरफॉक्स के स्टोर में देख लेना, ऑफलाइन आपको ये साइकिल देखने को मिल जाएगी। इन दोनों ही साइकिल्स की जो स्पेसिफिकेशन है, जो फ्रेम की ज्योमेट्री है, वो बिल्कुल सेम है। प्राइसिंग भी बिल्कुल सेम है। जो मेजर डिफरेंस मेरे को दिखा है वो इनके गाइस फ्रेम के कलर का ही है, एंड और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों साइकिल्स में। तो अब बात करते हैं इनके स्पेसिफिकेशन की। जो सबसे बढ़िया पॉइंट लगा है मेरे को इस साइकिल का, वो ये कि इसका जो फ्रेम का मटेरियल है वो आपको अलॉय फ्रेम देखने को मिलेगा। अलॉय फ्रेम जो है वो स्टील के कंपैरिजन में हल्का होता है। इस साइकिल का जो टोटल वेट है ना गाइस, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। इस साइकिल के अंदर गाइस आपको एक रिजिड फोक देखने को मिलेगा। जो रिजिड फोक का मटेरियल है वो भी आपको अलॉय बिल्ड देखने को मिलेगा। इस साइकिल के अंदर गाइस सेम साइज के व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे, 700C/35C का। इसमें आपको टायर का साइज देखने को मिलेगा। इसमें फ्रंट एंड रेयर व्हील के ऊपर आपको क्विक रिलीज देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ इस साइकिल में गाइस आपको मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स नहीं देखने को मिलते हैं, इसमें वी ब्रेक्स आते हैं। एंड वी ब्रेक्स का गाइस ये फायदा रहता है एक रोड बाइक में या फिर एक हाइब्रिड साइकिल में कि इनके जो साइकिल का वेट होता है ना, वी ब्रेक्स की वजह से वो कम हो जाता है, हल्की रहती है साइकिल। बट वी ब्रेक्स का ये भी कौन रहता है कि ये ऑल वेदर ब्रेक्स नहीं होते हैं। बारिश होगी या फिर रोड पे आपको कीचड़ वीचड़ देखने को मिलेगा, एंड वो अगर आपके रिम्स के ऊपर लगेगा एंड तब आप ब्रेकिंग को करना चाहोगे, तब जो वी ब्रेक्स हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करते हैं जितने अच्छे से एक मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स आपको काम करते हुए देखने को मिलेंगे। वी ब्रेक्स का एक और कौन होता है गाइस, जब आप गड्ढे पड्ढे में जाते हो, स्पीड ब्रेकर से जाते हो, जो ये हाइब्रिड साइकिल्स होती है, रोड ब्रेक्स होती है, इनके टायर होते हैं पतले पतले से होते हैं एंड इनमें वी ब्रेक्स लगे होते हैं, तो जैसे आप थोड़ा सा भी ऊपर खाबड़ से जाते हो, टायर की जो अलाइनमेंट होती है वो बिगड़ जाती है, टायर ऐसे ऐसे करके वॉबल करने लग जाता है। एंड जो आपका वी ब्रेक्स होते हैं वो एक तरफ से ऐसे ही चिपके रहते हैं, एंड जो टायर है वो ऐसे ऐसे करता है तो जो ब्रेक पैड होता है ना वी ब्रेक का, वो टच करता रहता है रिम के ऊपर, जिस वजह से आपको ऑटोमेटिकली ब्रेक लगता रहता है। आप ब्रेक नहीं लगा रहे तब भी ब्रेक लगेगा, तो ये एक दिमाग खराब वाली चीज़ होती है वी ब्रेक की, एंड इस वजह से मेरे को वी ब्रेक इतने पसंद नहीं है। रोड बाइक एंड हाइब्रिड कैटेगरी की साइकिल्स में ज़्यादातर लोगों की साइकिल्स में गाइस वी ब्रेक्स लगे होते हैं। वी ब्रेक से आपकी साइकिल काफ़ी ज़्यादा हल्की हो जाती है। एंड बारिश को छोड़ें एंड ऐसी नॉर्मल वेदर में देखें तो वी ब्रेक्स एंड मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स की ब्रेकिंग में
वाइज आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ एक वी ब्रेक एंड जो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक होता है उसके ब्रेकिंग में आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट साइकिल है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये है फायरफॉक्स की बैड एटीट्यूड 8। गाइस इस साइकिल को अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें आपको 21 स्पीड की ड्राइव ट्रेन देखने को मिलेगी एंड इसका जो प्राइस है वो 15,800 है। ये एक हाइब्रिड साइकिल आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें और वोया में ये डिफरेंस है कि इसका जो फ्रेम का मटेरियल है वो आपको स्टील बेल्ट देखने को मिलेगा, जिसमें रिजिड फोक लगी है वो भी आपको स्टील बेल्ट देखने को मिलेगी। जो वोया है उसमें अलॉय बेल्ट आते हैं दोनों ही पार्ट्स। ये मेजर डिफरेंस है भाई, वोया इसलिए ज्यादा महंगी आपको दिख रही होगी, उसमें चाहे गियर्स नहीं है, उसमें इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन नहीं है जो कि इस साइकिल के अंदर है, बट उसका जो फ्रेम का मटेरियल है वो बेटर है, वो अलॉय बेल्ट आपको देखने को मिलेगा। इस साइकिल के अंदर गाइस आपको एक फ्री व्हील देखने को मिलेगा। फ्री व्हील की जो रेंज होने वाली है वो 14-28 टीथ की आपको देखने को मिलेगी। जो इसकी फ्रेम ज्योमेट्री है एंड बाकी सारी स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम है बाकी सभी साइकिल्स की तरह। अब जो लास्ट साइकिल है एंड इस वीडियो में मेरे को इस साइकिल की भी बात करनी थी, वो है 91 की एंड्योरेंस। गाइस इस साइकिल की स्पेसिफिकेशन फायरफॉक्स की बैड एटीट्यूड है, दोनों की स्पेसिफिकेशन बिल्कुल ही सेम है। जो डिफरेंस है एंड्योरेंस के अंदर गाइस आपको 500 रुपए कम देने हैं एंड उसके साथ ही साथ उस साइकिल के अंदर गाइस आपको फ्रंट एंड रियर व्हील के ऊपर मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी इन दोनों साइकिल्स में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब जो फ्रेम का मटेरियल है सारी चीजें भाई सेम ही है, स्टील बेल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस चॉइस आपकी है, एट द एंड ऑफ द डे मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बता दिए। उसके साथ ही साथ गाइस मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा एक हल्का फ्रेम और लॉन्ग पीरियड गाइस बेटर रहता है ज्यादा स्पेसिफिकेशन के कंपैरिजन में, एंड उसके साथ ही साथ एक बेटर ब्रांड एक लो क्वालिटी ब्रांड से हमेशा बेटर रहेगा। एंड गाइस मैंने आपको मेजॉरिटी ऑफ द स्पेसिफिकेशन तो बता दिए हैं, अगर आप ऑनलाइन नहीं ले रहे साइकिल को या फिर अभी रिसर्च कर ही रहे हो अपनी साइकिल के बारे में, इन सारे स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखना। अगर आप ऑफलाइन जाओगे अपनी साइकिल को खरीदने के लिए तो ये सारी स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखना एंड फिर ऑफलाइन आप पता कर सकते हैं साइकिल के बारे में, आपको एक जरूर अच्छी साइकिल देखने को मिल जाएगी। एंड अगर गाइस आपको वाली वीडियो कहीं भी पसंद आई हो या फिर इस वीडियो से कहीं भी आपकी हेल्प हो गई हो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन की बेल को भी दबा देना ताकि जैसे मैं अपने चैनल के ऊपर अभी न्यू वीडियोस को अपलोड करूंगा आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड गाइस अगर आपका कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन है जो कि आपको मेरे से पूछना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो काफी ज्यादा पसंद आ गई ना तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो एंड मेरा फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हो, वहां पे मैं अपनी साइकिल से रिलेटेड पोस्ट डालते रहता हूं ऑन अ रेगुलर बेसिस। गाइस अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, कोई डाउट है ना, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, वहां पे भी मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस अगर आपको अमेज़न से कोई भी चीज परचेज करनी है, चाहे वो साइकिलिंग से रिलेटेड हो, साइकिल की कोई एक्सेसरी हो या फिर आपका कोई घर का सामान हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा अमेज़न का बाइंग लिंक है, उस लिंक को आप यूज कर सकते हैं। एंड दैट इज इट गाइस फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं द कार्टलिस्ट राइटर पंकज एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।